दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आपके पास एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट है, एक्सिस बैंक बीसी हैं सीएससी के माध्यम से, तो आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में एक नया पोर्टल एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है, एक्सिस सीएससी एक्सिस केवीएस डॉट इन करके एक पोर्टल लॉन्च हुआ है। अब आपको इसी पोर्टल पर काम करना है। अब कई सारे ऐसे वीएलई हैं जिनका पैसा पिछले पोर्टल पर, जो पहले पोर्टल चलता था एक्सिस बैंक का, उस पर फंस गया है पेमेंट, यानी कि पहले भी बताया गया था नोटिस जारी करके कि आपको 31 तारीख तक विड्रॉ करना है, अपने का जो भी पेमेंट है वॉलेट में उसको आपको विड्रॉ कर लेना है। लेकिन कई वीएलई ने यहाँ पर पेमेंट को विड्रॉ नहीं किया है और अभी वो पोर्टल भी नहीं चल रहा है। तो कई लोगों का यहाँ पर एक्सिस बैंक बीसी पॉइंट में जो पिछला पोर्टल था उसमें पेमेंट फंस गया है। कई लोग कमेंट करके भी पूछ रहे हैं कि सर पेमेंट पिछला जो फंसा हुआ है वह कब मिलेगा। आपको बता दूँ कि अभी 2 से 3 दिन आपको वेट करना है, 2 से 3 दिन में आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। आपने जो भी खाता पिछले पोर्टल पर लगाया था, जिस पिछले पोर्टल में जो भी बैंक अकाउंट डिटेल ऐड किया था, उसी अकाउंट में आपको यहाँ पर पैसा मिलने वाला है। जो भी आपके वॉलेट में पेमेंट था वह आपके बैंक खाते में आएगा, ना कि आपके नए वाले पोर्टल में। आपका जो बैंक खाता लिंक था, जो आपने अकाउंट लगाया था, उसी अकाउंट में आपको पैसा मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर देखिए ग्रुप है एक्सिस बैंक का, उसमें यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड अपडेट दिया गया है। यहाँ पर यही बताया गया है कि 2 से 3 दिन में आपका जो बैलेंस है वह आपके संचालित बैंक खाते में, जो आपने पोर्टल पर लिंक था, उसी अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। 2 से 3 दिन आपको वेट करना है, तो 2 से 3 दिन वेट करिए, आपके अकाउंट में आपको जो भी पैसा फंसा हुआ है उसका आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।